ये चुनाव देश की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव है, विकास का चुनाव है, गरीब जनता को राहत देने का ये चुनाव है। और इस चुनाव में शांतिपूर्वक चुनाव हो हम ये चाहते हैं। और 25 के 25 सीट राजस्थान की लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में राजस्थान का सरकार बनाने में बहुत बड़ा और योगदान रहता है। इस बार भी वो योगदान पूरा हो, ये जनता काम कर रही है। बिजली और पानी की किल्लत खड़ी हो गई है, कोऑपरेटिव बैंक के पास पैसा नहीं है किसानों को देने के लिए, ठेकेदारों को पेमेंट हो नहीं रहा है। और कांग्रेस ने आने के बाद जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने के कगार पर खड़ी कर दी हैं। केंद्र सरकार ने किसानों का जो पैसा जमा कराना है उसकी सूची केंद्र को नहीं दी। 5 लाख का जो इलाज कराने का आयुष्मान योजना में सरकार ने अडॉप्ट करना था उसको अडॉप्ट नहीं किया। ये जन विरोधी सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ फेल हो गई है, बिजली पानी की किल्लत हो गई है, सरकार आर्थिक कंगाली के जगह खड़ी हो गई है। आदमी जब झूठ बोलता है तो उसकी सीमा नहीं होती है, और राहुल गांधी कितना झूठ बोलते हैं मुझे आश्चर्य होता है उनके समझ पर। उनके लोकसभा में का एक्शन, उनका जनता के सामने 1, 2 और 10 तक गिनती में 10 दिन में कर्जा माफ की बात, और आलू महंगा हो गया तो वो फैक्ट्री लगा देंगे, आलू की फैक्ट्री से आलू से फैक्ट्री निकल जाए लगने लगेगी। लोग आज कंपेरिजन करते हैं कि विपक्ष के पास में एक प्रधानमंत्री संडे का है, एक जरा मंडे का है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, फ्राइडे का है, सैटरडे का है, कोई यानी कितने प्रधानमंत्रियों की लाइन वहां खड़ी है। एक तरफ राष्ट्र का प्रहरी देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी है। इन दोनों के बीच में जब जनता कंपैरिजन करती है तो जनता नरेंद्र मोदी को स्वीकार करती है कि ऐसा सशक्त मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिला है, देश की जनता उनके साथ है, वो मजबूर प्रधानमंत्री को देश के शासन पर नहीं चाहती।